ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइस, अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है और कुछ इसी तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कुछ इसी तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और गाइस, इस एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। अगर आपके पास में काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कौन कौन सा इफेक्ट लगाया है, आपको कैसे डाउनलोड करना है सब बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए गाइस पूरी लास्ट तक देखना। सबसे पहले फ्रेंड्स, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ से 9:16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर देख सकते हो गैलरी में आ जाना है और गैलरी से गाइस यहाँ से इस वाले लिरिक्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लिरिक्स को सिलेक्ट करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पर इस लिरिक्स को प्ले करना है। तो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से लिरिक्स बनाया हूँ जो काफ़ी शानदार दिख रहा है। अभी गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर मेरे चैनल का नेम दिख जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या करना है आपको थोड़ा इधर आ जाना है और इधर के गाइस थोड़ा सा ट्रिम कर देना है। ओके, यहाँ से क्लिक करके इधर ट्रिम कर देना है। ओके, अभी गाइस इधर से हमारे चैनल का नेम हट जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा और हम आ जाएंगे और इधर और थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे। ओके गाइस, ये हट चुका है। अभी आपको करना है क्या गाइस, यहाँ ऑडियो के ऑप्शन पे आके सॉन्ग की ऑप्शन में आ जाना है और गाइस यहाँ से आपको सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ से गैलरी में आते हैं और गैलरी से गाइस यहाँ से मैं अपनी एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस सॉन्ग के साथ हम अपना स्टेटस वीडियो गाइस बनाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से सॉन्ग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से गाइस सिंपली हम क्या करते हैं गाइस, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे तो ये सॉन्ग गाइस ऐड हो जाएगा। अभी देखो गाइस, यहाँ से हमें फ़ोटो को सिलेक्ट करना है इधर, तो यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में आके एडिटिंग के ऑप्शन में आ जाना है, फिल स्क्रीन क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको टू सिलेक्ट कर लेना है और डन कर देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है आपको और यहाँ से गैलरी में आ जाना है और गैलरी से अभी आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फ़ोटो से आप स्टेटस बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं कुछ फ़ोटोज़ को पहले यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो कुछ फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी गाइस यहाँ देख सकते हो, यहाँ हम फोटो स्लाइडिंग वाला इफेक्ट लगाएंगे। तो पहले गाइस इन फोटो में हम इफेक्ट लगा लेते हैं, उसके बाद में और आगे हम फोटो को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है स्पीड ब्लर, इसको क्लिक करके 0.1 कर लेना है। गाइस इसमें मैंने 4 इफेक्ट को यूज किया है। तो फर्स्ट इफेक्ट का नाम है स्पीड ब्लर, फिर से यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से गाइस सेकंड जो इफेक्ट हम यूज किए हैं स्पिन ब्लर, तो यहाँ से 0.1 इसको भी कर लेंगे। फिर से गाइस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हमने थर्ड वाला जो इफेक्ट यूज किया उसका नाम है लिक्विड, इसको क्लिक करके 0.1 कर लेना है। फिर से गाइस प्लस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस अब जो हम इफेक्ट फोर्थ वाला लगाने वाले हैं उसका नाम है क्रोमेटिक जूम, तो 0.2 या 1 आप कर लेना। फिर क्लिक करना है, फिर से स्पीड ब्लर में जाना है, 0.1, 2, 3 जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद में फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, स्पीड ब्लर में फिर सॉरी गाइस स्पिन ब्लर में चले आना है, फिर से सेकेंड नंबर सेलेक्ट कर लेना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फिर से लिक्विड वाले ऑप्शन में आ जाना है और फिर से गाइस यहाँ से कोई आपको सिलेक्ट कर लेना है।
फिर से प्लस पे के आइकन पे क्लिक करना है। फिर से गाइस यहाँ से आपको क्रोमेटिक जूम में आकर कोई और इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपको सॉन्ग को गाइस सुन लेना। तो थोड़ा सा मैं गाइस हेडफोन को निकाल लेता हूँ, यहाँ पर प्ले करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ से गाइस आपकी एक सॉन्ग है यानी एक फोटो का गाइस ड्यूरेशन आपको यहाँ तक कर देना है, क्योंकि गाइस इधर अब बीट सभी लगेगा। तो यहाँ से गाइस क्या करना है आपको, सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस फोटो को, फोटो को क्लिक करने के बाद में थ्री डॉट पे आके इसको डुप्लीकेट लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके, क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर मार्क लगा देना है आपको, और यहाँ पे भी गाइस आपको मार्क लगा देना है। ओके, तो यहाँ से गाइस मार्क लगा देंगे ऊपर की, जहाँ पे क्लिक करोगे मार्क लग जाएगा। अभी क्या करना है गाइस आपको, यहाँ पे इस फोटो को क्लिक करके यहाँ से इसको ऐसे करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में गाइस मीडिया का ऑप्शन में आके इमेज या बैकग्राउंड के ऑप्शन में आके ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसकी ड्यूरेशन को आपको यहाँ तक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा फोटो यहाँ तक था। अब इस फोटो को खींच के आपको यहाँ तक ले आना है। अभी क्या करना है गाइस, यहाँ फिर से आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में गाइस फिर से एक आपको न्यू ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, जो लग चुका है गाइस। अब आपकी फोटो को गाइस ड्यूरेशन को आपको देख सकते हो अच्छे से फिक्स कर लेने से, फर्स्ट वाला यहाँ पे था और यहाँ पे देखते गाइस ये यहाँ तक था। ओके, तो यहाँ तक इसको हम कर रखे हैं। ओके, अभी गाइस यहाँ पे थोड़ा सी इसकी ड्यूरेशन को और हम बढ़ा देते हैं। तो देखो गाइस यहाँ से हो चुका है। अभी क्या करना है गाइस, इस फोटो को सबसे पहले तो आपको यहाँ से जूम करना है। यहाँ से देखो गाइस कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है। यहाँ पर गाइस आपको आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे चाबी के ऑप्शन में आ जाना है। तो पहले गाइस आपको यहाँ पे इस फोटो को जूम करना है, जितना जूम करना चाहते हो जूम कर लेना, और यहाँ थोड़ा फिर आगे आ जाएंगे, फिर प्लस के आइकन पे यहाँ क्लिक कर देना है चाबी के ऑप्शन पे। फिर से इसको थोड़ा सा आपको जूम आउट कर लेना है। तो यहाँ से देखो गाइस कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेंगे। तो यहाँ से गाइस और हम इसको जूम आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ जूम आउट करने के बाद में बीच में कर देंगे, फिर से आगे जाएंगे और यहाँ प्लस के आइकन पे चाबी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके प्लस लगा देना है और लेफ्ट कर देना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप अपनी फोटो को गाइस थोड़ा अच्छा सा बड़ा साइज लेना, ताकि गाइस आपको जूम आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से फिर से इधर आएंगे, फिर से इधर लेफ्ट कर देंगे। ओके, ऐसे करके अभी गाइस पहले हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं, जो फोटो हमने जूम किया कुछ इस तरह से दिख रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो गाइस कुछ इसी तरह से दिखेगा। अभी आपको फिर से क्या करना है, इसी ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में और चाबी के ऑप्शन में गाइस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद में गाइस फिर से आपको यहाँ पर इसको जूम कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा जूम करके यहाँ पे बीच में फिक्स कर देना है। ओके, अब फिक्स करने के बाद में गाइस अब देखो जो आपके जूमिंग वाला इफेक्ट है कुछ इस तरह से गाइस आने लग जाएगा। ओके, अभी फिर से गाइस यहाँ पर आगे आ जाना है और तीन चार फोटो हमें और ऐड करना होगा। तो फिर प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर से गाइस गैलरी में आ जाना है और फिर से गाइस यहाँ से तीन चार हम फोटो को और ऐड कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इन सभी ट्रांजैक्शन इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है। तो देखो गाइस फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से गाइस यहाँ पर आ जाएंगे लिक्विड वाले पे, फिर से कोई न्यू ट्रांजैक्शन इसमें ऐड कर देंगे, फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर से गाइस यहाँ पर देख सकते हो स्पिन ब्लर पर आके 0.2 कर देंगे, फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और थर्ड वाला जो ट्रांजैक्शन है क्रोमेटिक जूम, इसको गाइस यहाँ पर लगा देंगे, फिर से गाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस पर, फिर से गाइस यहाँ फोर्थ वाला स्पीड ब्लर है इसको गाइस यहाँ से लगा देंगे। अभी इन चारों ट्रांजैक्शन को गाइस आपको डाउनलोड कैसे करना है, पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हो जब आप वीडियो को प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी शानदार आपकी वीडियो में गाइस इफेक्ट दे रहा है, देख सकते हो। अभी गाइस इन सभी ट्रांजैक्शन इफेक्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो गाइस यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, अपने मोबाइल की इंटरनेट को ऑन कर लेना है। यहाँ पर देखो प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम यूज किए स्पीड ब्लर, ओके, सेकंड स्पिन ब्लर देख सकते हो, थर्ड वाला जो हमने यूज किया है लिक्विड देख सकते हो, उसके बाद में फोर्थ वाला जो हमने यूज किया है क्रोमेटिक जूम। तो ये चारों ट्रांजैक्शन को आपको डाउनलोड करना है, उसके लिए अपने मोबाइल की इंटरनेट को ऑन कर लेना, यहाँ इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है या गेट मोड के ऑप्शन में,
फर्स्ट में जो गाइस यहाँ पे एक्शन दिख रहा है 3D के नीचे, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे तो यहीं हमें सारा ट्रांजैक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो नीचे हम स्लाइड करेंगे, यहाँ देख सकते हो गाइस क्रोमेटिक जूम, इसको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद में गाइस नीचे स्लाइड करेंगे, नीचे स्लाइड करने के बाद में गाइस और भी हम यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन को दिखा देता हूँ। गाइस स्पिन ब्लर आप लोग ये देख सकते हो, गाइस स्पिन ब्लर इसको भी गाइस आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, उसके बाद में गाइस यहाँ पर आप क्रॉस स्प्लिट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो इधर भी गाइस मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी गाइस यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस लिक्विड के ऑप्शन में, तो इसको भी क्लिक कर देना है। गाइस क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे ये लिक्विड की ट्रांजैक्शन है ये गाइस दिख जाएगा, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन हो चुका है। अभी गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हो वाइप की ऑप्शन में अब क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्पीड ब्लर की ऑप्शन देख रहे हो, एक नया ट्रांजैक्शन इफेक्ट आया है काइनमास्टर में, तो ये वाला गाइस आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास लेटेस्ट काइनमास्टर नहीं है तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइस जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे वैसे आप यहाँ पर फिक्स कर लेना, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेके आपको यहाँ पर कर लेना है। ओके, ताकि गाइस आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल मैं गाइस इस म्यूजिक को मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरी वॉइस सुनाई दे। अभी गाइस यहाँ पर आ जाना आपको जहाँ से आपकी फोटो है, ठीक है। पहले गाइस यहाँ पर देखो वीडियो को प्ले करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से गाइस आपके वीडियो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस इसमें हम एक क्लिप यानी एक गाइस यहाँ पे हम टैंपलेट को यूज करने वाले हैं, एक टैंपलेट को गाइस लगाएंगे। तो यहाँ करना क्या, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है यहाँ पर गाइस, और यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन में आ जाना है, गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद में गाइस यहाँ से आपको गैलरी से गाइस इस टैंपलेट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो गाइस ये वाला जो टैंपलेट है हम इसको गाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सॉरी गाइस, तो कहाँ चला गया, तो गाइस इस टैंपलेट इस टैंपलेट को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेना है गाइस। फुल स्क्रीन करने के बाद में इस टैंपलेट के म्यूजिक को म्यूट कर देना है। अब इसी टैंपलेट पर क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अभी देखो गाइस ये टैंपलेट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर का ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन में आ जाना है। फिर से गाइस यहाँ पे अपनी गैलरी में आ जाना है। गैलरी से गाइस यहाँ से एक बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन कर देना है, और इस बॉर्डर पीएनजी की ड्यूरेशन आपको पूरी लास्ट तक कर देना है जहाँ तक आपकी स्टेटस रहेगा। अभी गाइस यहाँ पर वीडियो को मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो गाइस कुछ इसी तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो इस कलरफुल लिरिक्स के साथ में आप बना सकते हो। आई होप गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और गाइस जितना भी मटेरियल टैंपलेट सॉन्ग जो भी मैंने यूज़ किया लिरिक्स वगैरह सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी गाइस यहाँ पर क्लिक करने जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कैंची के निशान पर आके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर देना है, कट कर देना है। कैंची के निशान पर आके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके कट करके यहाँ पर सभी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। फाइनली गाइस हमारा वीडियो बन चुका है, अब इसको हम अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है फुल HD में, इस वीडियो को सेव कर लेना अपने गैलरी में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।